फ्यूचर में जिंदा रहने के लिए इंसानों को अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखना ही पड़ेगा। दोस्तों ये बात सच है क्योंकि जिस तरह से हम इंसान पेड़ों को काट रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब हमारी पीठ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। आप खुद अंदाजा लगाओ कि हर साल दुनिया में हर एक मिनट में करीब 5 क्रिकेट स्टेडियम के बराबर पेड़ों को काटा जा रहा है। इंसान कुल्हाड़ी पेड़ों पे नहीं बल्कि अपने पैर पे ही मार रहा है। पेड़ों को काटकर इंसान यमराज को अपनी मौत की दावत दे रहा है। वो जानबूझ के यमराज को बोल रहा है कि आजा भाई उठा ले मुझे। दुनिया में CO2 की मात्रा हर साल बढ़ती जा रही है। CO2 का स्तर 7% तक बढ़ चुका है। CO2 के स्तर का बढ़ना सच में एक खतरे की घंटी है। इसका असर आज के समय में हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज और बिन मौसम बारिश इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप खुद देख लो, मार्च के महीने में ही हम लोगों को मई जून की गर्मी का फील देखने को मिल रहा है। अगर CO2 को कंट्रोल करने में और पेड़ों की कटाई को कम नहीं किया गया तो इंसान गोस्ट राइडर की तरह सड़कों पर घूमता नजर आएगा। चलो अब रिकॉर्ड्स के रिलेटेड आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का जंगलों से रिलेटेड एक आंकड़ा सामने आया है। उस आंकड़े में बताया गया है कि पिछले साल यानी 2021 में 38 लाख हेक्टेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया गया। आप इन नंबर्स को देख के हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये नंबर साल 2020 के कंपैरिजन में 11% कम है। पेड़ों को काटने के मामले में ब्राज़ील और कॉन्गो टॉप पे आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट की मात्रा ब्राज़ील में है, लेकिन वहाँ के लोगों को शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तभी तो 15 लाख हेक्टेयर के जंगल सिर्फ ब्राज़ील में ख़त्म हुए हैं। ये आंकड़ा दुनिया में ख़त्म हुए जंगलों के एरिया का 40% है। इसके बाद अफ्रीका का देश कॉन्गो आता है, लेकिन ब्राज़ील में जिस हिसाब से जंगल कट रहे हैं वो कॉन्गो में कट रहे जंगलों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन आज के समय में ब्राज़ील में जंगल के कटने में बहुत ज़्यादा कमी आई है। यहाँ थोड़ा रिलीफ देखने को मिलता है क्योंकि ट्रॉपिकल जंगल खुद ब खुद वापिस उग जाते हैं। तभी आंकड़ों के हिसाब से ट्रॉपिकल जंगलों के कटने की फीसदी केवल 4% से भी कम है। लेकिन बढ़ता CO2 का स्तर एक टेंशन की बात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस स्तर को रोका नहीं गया तो फ्यूचर के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं ना, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। इसी के साथ मैं अनुप मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताना कि आपने वातावरण को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हुए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।